दोस्तों आपको बता दूं कि स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी Xiaomi Redmi ने अपना एक टीवी लॉन्च किया है। ये LED टीवी 50 इंच का है। Xiaomi टीवी की 4A सीरीज से पहले भी 5 टीवी मौजूद है। इस नए MI टीवी 4A में 4K अल्ट्रा HD 3840x2160 रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश सेट HDR10 पर HLG सपोर्ट है। इस टीवी में फ्रेम लेंस डिजाइन दिया गया है। साथ ही इस टीवी में 10 स्पीकर्स का इंटीग्रेट MI टीवी बार भी दिया गया है। इसके अलावा इसको बेहतरीन साउंड के लिए 2 वायरलेस रियर सेटेलाइट स्पीकर और एक सब वूफर भी दिया गया है। इसमें आपको 3D साउंड्स का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको करीबन 2399 यूरो यानी कि 23,800 रुपए इंडियन रुपीज के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों अभी ये टीवी केवल चाइना में ही लॉन्च किया है और जल्द ही भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों इस टीवी को दमदार बनाने के लिए इसके अंदर 64-bit M-Logic N962 का क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है और साथ ही इसके प्रोसेसर को मजबूत बनाने के लिए इसके अंदर 2GB का रैम दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर 8GB की इंटरनल मेमोरी स्टोरेज भी दी गई है। साथ में दोस्तों इसके अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ 4.2 DTS ऑडियो भी दिया गया है। अगर दोस्तों पोर्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट और इथरनेट पोर्ट और SPDIF ऑडियो आउट पोर्ट भी दिया गया है। दोस्तों अभी तो फिलहाल ये चाइना में लॉन्च किया है लेकिन जल्दी इंडिया में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसे इन्फॉर्मेशन लाया था मैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।